जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या का न्योता ठुकराना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। पार्टी नेताओं को रास नहीं आया सोनिया गांधी का फैसला। कहा यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय। कांग्रेस फैसले पर पुनर्विचार करे। राम अयोध्या से लड़ाई नहीं, वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। पहले नए जाने की थी खबरें। पीएम मोदी आज मुंबई में सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु का करेंगे उद्घाटन। 22 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर 4 व्हीलर मिनी बस और 2 एक्सेल व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई। वहीं मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन, ऑटो और ट्रैक्टर को नहीं मिलेगा प्रवेश। अब तो लेकर रहेंगे न्याय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर किया पोस्ट। कहा लेकर रहेंगे इंसाफ। सहो मत, डरो मत, बीजेपी की तानाशाही खत्म करना ही कांग्रेस का लक्ष्य। एलएसी पर हालत अभी भी तनावपूर्ण। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बोले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश से जारी। हालांकि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। सीमा पर ड्रोन से सामान भेजने की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले 14 जनवरी से 25 जनवरी तक सरयू नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा राम नाम महायज्ञ, जिसमें 21,000 पुजारी होंगे शामिल। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जुटेगी वीवीआईपी लोगों की भीड़। सीएम योगी ने कहा अयोध्या में 22 जनवरी को लैंड होंगे 100 चार्टर्ड प्लेन। मौसमी हिंदू है कांग्रेस की कुछ दिनों में अपने आप समाप्त हो जाएगी। सोनिया खरके के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा जब इन्हें लगता है कि वोट हासिल करने की जरूरत है तो ये लोग सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर तीसरे दिन भी जारी रही रेल कर्मियों की भूख हड़ताल। रेल कर्मियों ने नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली के समर्थन में की नारेबाजी। पंजाब, यूपी, राजस्थान में कोल्ड डे का अलर्ट। वहीं उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा। तमिलनाडु समेत 8 राज्यों में बारिश की संभावना कम। विजिबिलिटी के कारण दिल्ली में 24 ट्रेनें लेट। जियो ने एक साथ लॉन्च किए कई इंटरनेशनल रोमिंग। अब विदेश से भी कर पाएंगे फ्री कॉलिंग। इन रिचार्ज प्लान में यूजर्स को लंबी वैलिडिटी, डेटा इनकमिंग और आउट गोइंग कॉलिंग जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। भारत अब कमजोर नहीं, चीन भी मानने लगा है हमारा लोहा। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा भारत की रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण देश के प्रति चीन के रवैये में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 के लिए पेश करेगी अंतरिम बजट। हो जाए सावधान, अयोध्या में राम जन्मभूमि के उद्घाटन से पहले ही जालसाजी शुरू। गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। दरअसल जालसाज भगवान श्री राम के वीवीआईपी दर्शन कराने का झांसा देकर देश भर में राम जन्मभूमि नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं और उसके बाद बैंक खातों को खाली कर देते हैं। हम सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत जनसंवाद कार्यक्रम में दिल्ली की जनता बोली बीजेपी की हर गारंटी झूठी। आतंकियों के निशाने पर राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम। एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कार्यक्रम में शामिल होने वाले राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए भी मंडरा रहा बड़ा खतरा। खुफिया एजेंसियों के दावे के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन लगातार इस बात को बढ़ावा देने में लगे हैं कि मोदी सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर को 7वीं बार मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। सूरत पहली बार बना संयुक्त विजेता। वहीं राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1। इसके अलावा गंगा किनारे बसे क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर। अहमदाबाद टू अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट हुई रवाना। केंद्रीय उड़ेन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिसाप्ताहिक उड़ान को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान राम, लक्ष्मण और सीता के पोशाक में नजर आए यात्री। बीजेपी के गुलाम एकनाथ शिंदे बेटे के सांसद होने पर नहीं दिखता परिवारवाद। महाराष्ट्र के सीएम पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बोला हमला। दिल्ली एनसीआर से लेकर कश्मीर और पाकिस्तान तक महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। हिंदू कुश में जमीन से 220 किलोमीटर नीचे था केंद्र रिक्टर स्केल पर 6.1 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। सीएम योगी के नाम पर रखे गाजियाबाद का नया नाम। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की मांग। कहा मैं तो मांग करता हूं कि अगर गाजियाबाद का नाम बदलता ही है तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर रख दिया जाए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर लो सेक्रेटरी को लिखा पत्र। प्रस्ताव पर जताई असहमति। कहा हम आपके प्रस्ताव और सूत्रीकरण से सहमत नहीं। आपके पत्र से वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। पब्लिक प्लेस में महिलाओं से अश्लील हरकतें और गंदे कमेंट करने के मामलों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। देश भर में 2022-23 में 25,741 मामले दर्ज। केंद्र सरकार की ओर से जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र का नागपुर शहर टॉप पर और मुंबई दूसरे स्थान पर है। वहीं देश का सबसे साफ शहर इंदौर इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर।
अयोध्या के साथ साथ अबू धाबी में भी हो रही मंदिर को लेकर तैयारी। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दरअसल यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक ओर जहां कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया है, वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तारीफ। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण से हुआ धन्य। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद केस में सुनवाई आज। एनडीएमसी का 172 साल पुरानी मस्जिद तोड़ने का नोटिस, यहां से राष्ट्रपति भवन 100 मीटर दूर। हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। कारोबार खत्म होने पर बीएससी सेंसेक्स 64 अंकों की तेजी के साथ 71,721 पर क्लोज हुआ, जबकि एनएससी का निफ्टी 28 अंकों की उछाल के साथ 21,647 अंकों पर हुआ बंद। इस दौरान रिलायंस के स्टॉक में भी रही शानदार तेजी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में बीजेपी करेगी मंथन। राजस्थान में 25 में से 18 सीटों पर नए चेहरे उतारने की चर्चा। 30 से 60 साल के नेताओं को मिलेगा मौका। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला है। सहरसा से पाटलिपुत्र जा रही जनहित एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बटी बोगिया। जेल में अचानक आसाराम की एक बार फिर बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती। आतंकी और गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के साफ सूत्रों के दिल्ली हरियाणा और पंजाब के 32 ठिकानों पर मारी रेड। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर गिरी गाज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भेजा समन। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरफेर का है आरोप। मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार के लिए दी चादर। भाजपा बोली, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले सनातन विरोधी पोस्टर जारी किया। पायलट बोले, बीजेपी अच्छा बुरा हिंदू होने का सर्टिफिकेट न दे। बेटी की शादी में चल के आमिर के आंसू। देवपुर में आयरन अनुपूर्णे की क्रिश्चियन वेडिंग। अब 13 जनवरी को मुंबई में होगा रिसेप्शन। ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज ने फिल्म निर्माताओं से की मालदीव बॉयकॉट करने की अपील। साथ ही एक बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया और इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप जैसी जगहों पर शूटिंग करने की सलाह दी। पंजाब के खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इनाम के तौर पर दिया 30 करोड़। कहा, प्लेयर्स ने देश में कमाया नाम। देश मान रहा मोदी के चलते बन रहा राम मंदिर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री पर फिर उठाए सवाल। कहा, राम जन्मभूमि का मामला जब सुप्रीम कोर्ट फैंस के नजदीक था, तब मोदी ने उसमें देरी करने की कोशिश की थी। मंदिर के निर्माण के लिए असल में सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई समेत बाकी जजों को कहीं सुनिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में शुरू हुआ अंतर कलह। पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने नवजोत सिंह सिद्धू को अनुशासन में रहने की दी नसीहत। कहा, कांग्रेस पार्टी अब अनुशासन हिता नहीं करेगी। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार। स्पीकर राहुल दारवेकर ने कहा, उनका वोट असली शिवसेना। वही पूर्व सीएम उद्धव बोले, फैसले से सुप्रीम कोर्ट की हुई अवहेलना नतीजा मैच फिक्सिंग ही निकला, इसलिए जारी रहेगी हमारी लड़ाई। कोर्ट खुद ले। बिहार के सड़क पर देखी वंदे भारत बस सेल्फी लेने के लिए लगी लोगों की भीड़। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लिए मजे। कहा, क्रिएशन सिर्फ बिहार में रहना चाहिए, बिहार के बाहर नहीं जाना चाहिए। शेख हसीना ने 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में सफर की। उनकी पार्टी ने 222 जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल राज्यसभा में भी हुए पास। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती